छू गए मैं मना ही रही सैया, टूट गए मैं मनाती रही जी सैया, टूट गए शाम जाने लगे मैं बुलाती रही, मैं बुलाती रही सैया, टूट गए सैया, टूट गए मैं मनाती रही सैया, टूट गए। तो खरो लागे है लीला भाई, पूरे 24 कराट का है सेठ जी। आप तो जानते ही हैं व्यापारी जो ठहरे, सोने का भाव कितना चढ़ा है आजकल। क्या बात करती हो लीला भाई, दाम सोने का नहीं होता बल्कि पसंद का होता है। तो है मासनलाल, एक से रुमाल तो निकालो, तुलसी का ये पेड़ हमारे दिल में लगा दो लीला भाई। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। देखिए सेठ साहब, मेहरबानी करके बाहर चले जाइए। जास्ती नखरे चिन करो तुलसी भाई, 20,000 नकद गिनायो हूँ। ठीक है, अभी पैसे वापस आते हैं। मौसी, मौसी, लीना मौसी! मौसी बिचारी की नींद काहे बिगाड़ो हो। खबरदार है सेठ जी, आगे बढ़े तो मुझे बड़ा कोई नहीं होगा। अरे तुम्हारी बुराई भी बड़ी मजेदार होती है जानिम। अरे इस दरवाजे की बात छोड़, अरे हमारे दिल का दरवाजा खुला है तुलसी भाई। क्या
बात है सेठ जी? अरे यही तो मैं जानना चाहूं, मेरे साथ मजाक हो रहा है या धोखा? छोरी भाग गई। कहाँ जा रही है? नीला भाई, नीला भाई! क्या बात है लड़की, जान प्यारी नहीं क्या? जान प्यारी है, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे मौत से बचा लीजिए। मौत से? मैं उस बूढ़े की मौत से। अरे माँ, तुम ऊपर क्यों आई? डॉक्टर ने सीढ़ियां चढ़ने से मना किया है ना, कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। बैठो 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 बैठो। देखा? हाँ प्रिया, कैसी तबीयत है? डॉक्टर तो कहता ही रहता है कि दिल बहुत कमजोर हो गया है, और फिर उम्र के साथ साथ तो इसे कमजोर होना ही है। ऐसे क्यों देख रही हो माँ? अभी अभी खबर मिली है कि तुम बड़े हो गए हो, वही देख रही हूँ। तुम्हारे होते हुए मैं बड़ा कैसे हो सकता हूँ माँ? बड़े नहीं हुए तो बाग वाली कोठी की कुंडी तक तुम्हारा हाथ कैसे पहुंचा? क्या अपने स्वर्गवासी पिता की तरह अपना ज्यादा वक्त वहीं गुजारोगे? कैसी बातें करती हो माँ। उस कोठी ने मेरी ब्याहता जिंदगी की लगभग तमाम रातों की नींद चुराई है। क्या तुम ये चाहते हो कि विधवा होने के 24 साल बाद तुम्हारी माँ तुम्हारे इंतजार में जागना सीखे? जिसे बना दी है उसे यहाँ क्यों नहीं लाए? बात ऐसी है माँ, वो लड़की ऐसी है कि मैंने उसे इस घर में लाना मुनासिब नहीं समझा। बेचारी लाचार है, बेजार है, मैंने उसे सहारा दिया है, कुछ ही दिनों में चली जाएगी। मौसी, हार में गई तेरी मौसी। चल कहाँ? उसी कोठे पर जहाँ तुझसे पहले तेरी माँ बैठा करती थी और तेरे बाद तेरी बेटी बैठेगी। भगवान के लिए मुझे उस नर्क में मत ले जाओ मौसी। वाह, जहाँ पल पुसकर इतनी बड़ी हुई वो जगह हवेली की हवा खाते ही नरक बन गया। दो दिन में बहू बेटी दिखाई देने लगी। अरे ये कपड़े तुझे शरीर जादी नहीं बना सकते माल जादी, चाहे कोई भी चूल्हा बदल। कौन है ये औरत? आए हाय नन्ही, ऐसे नादान न बनो ठाकुर साहब। कौन हो तुम? इसको आप कहां से जानते हैं जो लीला बाई को नहीं जानते? वैसे शहर में कौन सा ऐसा रईस है जो हमें नहीं जानता? स्वर्गीय ठाकुर साहब तो हमें खूब पहचाना करते थे। बदतमीज, तुझे यहाँ आने किसने दिया? ए ले, अब हमसे पूछ रहे हैं कि तुझे यहाँ आने किसने दिया? इसे तो रास्ते से लाए थे, लावारिस समझा था क्या? वो राजपाट के दिन लद गए ठाकुर साहब, ये कोई अंधेर नगरी नहीं है कि जिसे चाहा उसे उठा के ले गए। मैं नहीं बैठूंगी निचली, जमीन आसमान एक कर दूंगी, मगर तुलसी को यहाँ से जरूर लेके जाऊंगी ठाकुर साहब, समझे? और जो मैं न ले जाने दूं तो? आप इज्जतदार आदमी है ठाकुर साहब, एक टके की औरत के लिए आप हम जैसों से फौजदारी थोड़ी करेंगे। कर भी सकता हूँ, मैंने इस लड़की को पनाह दी है लीला भाई, इस घर में आने से पहले ये जो कुछ भी रही हो, लेकिन अब ये मेरी मेहमान है और इसकी मर्जी के खिलाफ इसे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। मैं कह देती हूँ ये सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा ठाकुर साहब। चल तुलसी। ठाकुर कहती हो और इतना भी नहीं जानती कि ठाकुर मोल तोल नहीं करते? अगर तुम लोग मेरे घर के आस पास भी नजर आए तो मैं गोली मार दूंगा। निकल जाओ यहां से। तुमने नौकरों से कहकर इसे निकलवा क्यों नहीं दिया? मैं डर गई थी। अब कभी नहीं डरना, तुम यहां मेरी मेहमान हो, तुम्हारा किसी से डरना मेरी तौहीन है।
राजा आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर। दो दिन से तुम्हें देख रही हूँ इसी तरह गुमसुम पड़े हुए, खाने पीने का भी होश नहीं है। कुंवर साहब तुम्हें देखेंगे तो डांट पड़ेगी हम नौकरों पर कि हमने मेहमान का ख्याल नहीं किया। ये रात दिन तुम क्या सोचा करती हो? यही कि आखिर मैं किस किस्म की मेहमान हूँ कि जाने के ख्याल से ही डर जाती हूँ। पर मेहमान हूँ, किसी न किसी दिन तो जाना ही पड़ेगा। ये किसने कहा? मेहमान अपनी खुशी से आते जरूर हैं तुलसी, लेकिन जाते घर वालों की मर्जी से। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ है? ये तुमने जो सुना ये जिंदगी की आधी सच्चाई है, बाकी की आधी सच्चाई इस तरफ है। इसे भी सुनो। जिंदगी सिर्फ बीते हुए दिनों की याद नहीं है तुलसी, जिंदगी यहां है, अभी है। इसे जीना सीखो, इसकी इज्जत करना सीखो। ये उदास से कपड़े उतारो और कुछ जीते जागते हुए कपड़े पहनो। अध्याय कहां चुबा रखा था अपने आप को? चलो बाहर बाहर आई है और मैं फूलों को दिखाना चाहता हूं, खिलना सिर्फ उन्हीं को नहीं आता। पछतावे के नहीं है कुंवर जी। तो फिर कुछ खुशी के, कुछ गम के। गम के? गम इस बात का कि आपने बिना सोचे समझे प्रेम का नाता जोड़ लिया। जो सोच समझ के किया जाए वो प्रेम कैसा? प्रेम तो एक बादल की तरह है जो अचानक आ जाता है, अचानक बरस जाता है और चांद निकल आता है। तुम ऐसे ही किसी चांद की तरह मेरे दिल में उतर आई हो। एकदम से इतनी खुशियां ना दे दीजिए कुंवर जी कि मैं मर ही जाऊं। इस वक्त अगर मौत आए तो मैं हजार जिंदगियां देकर वो मौत खरीद लूं। देखो तुलसी, तुम यहां मरने के लिए नहीं, जीने के लिए आई हो। और दुनिया की कोई मौत प्यार की जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत नहीं, समझे? तो मैं नहीं मरूंगी। ओ माधव, हाँ रानी माँ। उधर के मामा जी कहाँ हैं? मालूम नहीं, शादी सर पर है और अभी तक कोई तैयारी नहीं। रानी माँ, शादी को तो अभी 3 महीने पड़े हैं। 3 महीने तो 3 दिन की तरह गुजर जाएंगे।
क्या हुआ बीब जी? पता नहीं रदिया, दो चार दिन से सवेरे सवेरे चक्कर आते हैं, मतली सी होने लगती है। दो चार दिन से? हाँ। बधाई हो बधाई बीबी जी, आप माँ बनने वाली हैं। जो बीब जी है पैदा होने वाला, मैं तो सोने के कंगन लूंगी कुंवर साहब से। नहीं नहीं, ये बात तू कुंवर साहब से मत कहना, मैं बताऊंगी, मैं बताऊंगी तो वो कितने खुश होंगे। मंगरू जी, बीबी जी, कुंवर साहब को बुला लाओ। बहुत अच्छा। तुम्हारी पसंद क्या है? वो बाग वाली तुलसी जी, वो बाग वाली औरत जी, वो बेशा जी। तो मेरी भी सुन लो, मेरी जिंदगी में कोई भी वेश्या इस घर की बहू बनकर नहीं आएगी, अगर आएगी तो मेरी बात बनकर आएगी। तुम्हारी इन धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला माँ। क्या भगवान करे अभी तुम हजार साल जियो, लेकिन मेरी शादी तुलसी से ही होगी। आज बड़ी ठकुराइन और कुंवर जी में झगड़ा हुआ। बड़ी ठकुराइन कह रही थी जहां मैं कहूंगी वही होगी उनकी शादी, और कुंवर जी कह रहे थे कि मैं शादी करूंगा तो सर तुलसी से, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा। बस इतनी सी बात थी बीबी जी, और बड़ी ठकुराइन को दिल का दौरा पड़ गया। किताब में देखकर आपके लिए एक खास हलवा बनाया है। अब तो बहुत मीठा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसमें उतनी ही मिठास डाली होगी जितनी किताब में लिखी है, और अपने हाथों की मिठास तो भूल गई होगी। इसमें मैंने अपने प्यार की मिठास डाली है, और प्यार की मिठास हमेशा ठीक होती है, न कम न ज्यादा। हलवा अच्छा लगा तो क्या दोगे? जो तुम हो राजपूत हो कुंवर जी, सोच समझ कर वादा करो, जो मैं कहीं मुश्किल चीज मांग बैठी तो। राजपूत अपनी बात रखने के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन चीजें करने के लिए मशहूर है। मुश्किल या आसान, चलो वो चीज हमने बिना जाने ही तुम्हें दे दी। हाँ तो ये हाथ मेरा हो गया ना, तो चलो आज से यह हाथ तुम्हारा, और जिस बदन में यह हाथ है वो भी तुम्हारा, बदन के साथ साथ ये दिल भी तुम्हारा, और इस दिल में जो आत्मा है तुमसे वो भी तुम्हारी। दिल और आत्मा तो मैं रख लेती हूं, लेकिन ये हाथ उस लड़की को दे रही हूं जिसके घर में आने से माता जी की जान बच सकती है। तुलसी, आप वचन दे चुके हैं, लेकिन तुलसी ये कुंवर जी, राजपूतों में बाप का दिया हुआ वचन बेटा तक निभाता है, आपने तो अभी वचन दिया है। तुलसी, आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आप असलियत को नहीं पहचानते। मैं जानती हूं कल की वेश्या आज किसी शरीफ घर की बहू नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? मैं बनाऊंगा। बन सकती है, लेकिन जरूरत क्या है? मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है, इससे ज्यादा का तो कभी सपना भी नहीं देखा था। तुलसियों के लिए
घर में जगह होती कहाँ है कुंवर जी कि मैं घर के सपने देखती। मैं तो जन्म जन्मांतर से घर की चौखट के बाहर खड़ी हूँ। मैं इस युग की वृंदा हूँ कुंवर जी, वेश्या वृंदा, जिसे भगवान कृष्ण भी घर के अंदर न ले जा सके। तुलसी बनकर आपके दरवाजे के बाहर खड़े रहना ही मेरा सौभाग्य है। आप मुझसे प्यार करते हैं ना, तो आपको किसी और से शादी करनी पड़ेगी। रात नहीं, आवारगी है, बेहूदगी है। तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया तुमसे। जिस लड़की से प्यार करता हूं उससे शादी नहीं कर सका, और जिससे शादी की है उससे प्यार नहीं। आपने उस लड़की के साथ जिंदगी बिताने का वचन दिया है कुंवर जी। मां को बहू चाहिए थी, बोला दी। उसके साथ रहने का वादा न मैंने मां से किया था न तुमसे। बात जो भी हो, ये आपके यहां आने की रात नहीं है। वैसे आपके ब्याहता का नाम क्या है? संजोगता। तो संजोग से कैसे लड़ोगे कुंवर जी? एक बात कहूं? कहो। आपका दिल बहुत बड़ा है, अकेले मेरे रहने से खाली खाली सा लगता है। संजोगता को भी रख लीजिए ना इस दिल में। मैं उससे छोटा प्यार नहीं कर सकता। कोशिश तो कर सकते हो। नहीं तुलसी, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं यही रहूंगा। क्यों नहीं, आपका घर है, जरूर रहिए। लेकिन आज की रात अगर आप इस घर में रहे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आज की रात आपने यहां आकर मेरा अपमान किया है, संजोगता का अपमान किया है, अपनी मां का अपमान किया है, घर की परंपराओं का अपमान किया है। एक रात में इतनों का अपमान न करो कुंवर जी। ठीक है तुलसी, किसी का अपमान नहीं होगा, लेकिन इतना याद रखो, आज के बाद कोई सुखी नहीं रहेगा, ना मां, ना वो लड़की, ना तुम और ना मैं। Thank you.
कब आए? दिखाओ, दिखाओ ना। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है? क्यों छुपाई तुलसी, क्यों छुपाई, बोलो क्यों छुपाई? क्या तुम इसे हमारा प्यार नहीं पाप समझती हो? क्या तुम मेरे और अपने प्यार की तकदीर इन आंसुओं से लिखोगी? अगर मुझे मालूम होता तो मैं दुनिया, माताजी तुम्हारी परवाह ना करता और ये शादी करने से इनकार कर देता। अच्छा, अब समझा, तुमने ये बात इसलिए छुपाई थी। तुम जानती थी कि ये बात जान लेने के बाद मैं सिवाय तुम्हारे और किसी से शादी नहीं करूंगा। बड़ी भूल की तुमने तुलसी, बड़ी भूल की। मेरा घर, मेरी माँ, मेरा समाज, इन्हीं के बारे में सोचती रही और अपने ही बारे में सोचना भूल गई। मुझे अपने बारे में सोचना ही क्या है कुंवर जी, मैं तो आपके आंगन की तुलसी हूँ। दरवाजे पर खड़ी खड़ी आपके परिवार को देखकर खुश होती रहूंगी। मेरे जीने के लिए संजोगता से बचा बचाया आपका प्यार बहुत है। और फिर ये बच्चा आ जाएगा तो मेरा अकेलापन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इसे पाल पोस कर बड़ा करते करते बूढ़ी हो जाऊंगी। मुबारक हो बहू, तुम्हारी सौतन की गोद हरी हो गई। जब तक मैं जिंदा हूं तुम इस हवेली में रहोगी और वो बाग वाली उस कोठी में, लेकिन मेरे बाद वो यहां आ जाएगी, इस हवेली में नहीं, इस कमरे में। अपने लिए अभी से कोई कोठड़ी पसंद कर लो। मेरे बाद इस हवेली में वो मालकिन होगी और तुम नौकरानी। यहां तक कि एक दिन कुंवर जी भूल जाएंगे कि कोई संजोगता भी थी जिससे उन्होंने ब्याह किया। इस हवेली में इस खानदान की बहू बनकर रहना चाहती हो तो इन आंसुओं को पोंछ डालो, ये किसी काम के नहीं। ठकुराइन हो, ठकुराइन बनकर उस बाग में जाओ और उस मालजादी को ठोकर मार कर निकाल दो। मैं यही तो नहीं कर सकी थी। बीबी जी, बीबी जी, छोटी ठाकुरान आई है, इसे ऊपर ले जा। बाहर रुक क्यों गई, अंदर आइए ना। क्या इस घर में कोई ऐसी जगह है जहां मैं अपने पांव धर सकूं? ये क्या कह रही हैं आप संजुक्ता बहन? बहन, ऐसे दिन लग गए तुझको कि ठकुराइन को बहन कहने लगी। दो ही दिन में अपनी औकात भूल गई, भूल गई कि तू एक बाजारी औरत है। मेरी औकात थी क्या कि भूल जाऊंगी? बाजारी औरतें बाजार में उगती नहीं है। हमारी माएं बाजार की चीज होती हैं, मगर हमारे बाप शरीफ घरानों से आते हैं। और इसीलिए शायद तुम उन घरों को उजाड़ती हो जिनमें तुम्हें जगह नहीं मिलती। अरे बेशरम, मैंने तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तू मेरा घर क्यों उजाड़ रही है? तुझे दौलत ही चाहिए ना, ये ले, ये ले, ये भी ले। ये दौलत तो मैं ठाकुर जी से भी मांग सकती थी छोटी ठकुराई, मुझे दौलत की जरूरत नहीं। दौलत तो उस घर में भी बहुत थी जिसे मैं छोड़ आई। मैं यहां दौलत की लालच में नहीं, इज्जत की तलाश में आई हूं। तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती छोटी ठकुराई, तुम उनकी ब्याहता हो।
हाँ, ब्याहता मैं हूं और बच्चा तुझे हुआ है। सिंदूर मेरी मांग में है और पति का प्यार तुझे मिलता है। तू शराब की बोतल है, तुझे पीकर लोग अपने आप और अपने खानदान को गालियां देते हैं। मैं गंगा जल हूं, लेकिन गंगा जल में तेरा नशा कहां? तू एक बिन ब्याही सुहागन है और मैं एक कुंवारी ब्याहता। चौंकने का नाटक क्या कर रही है, जैसे तू कुछ जानती ही नहीं। मैं तेरे कुंवर जी की कोई इसलिए नहीं कि मुझे खरीद कर नहीं लाया गया, और मेरे कुंवर जी की तो सब कुछ है, क्योंकि वो तुझे हर रात खरीदते हैं। लेकिन तुझे कुछ कहना फजूल है, क्योंकि इस घर में रहने के बाद भी तू एक वेश्या है। तू इस घर से जाएगी जरूर, लेकिन मां की जिंदगी लेने के बाद। तू इस घर से जाएगी जरूर, लेकिन इस घर को बर्बाद करने के बाद। ठकुराइन, मेरा जवाब भी सुनते जाइए। मैं इस घर की कोई नहीं लगती, लेकिन ये घर मेरा भी कुछ लगता है। मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मेरे जाने से ये घर आबाद हो जाएगा, तो मैं वादा करती हूं ठकुराइन, मैं चली जाऊंगी। Thank you.
का वादा जो कर लिया था ये मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें बच्चे के लिए जीना होगा। इसकी मुझे फिक्र नहीं, आप हैं, इसे संभाल लेंगे। पहले मुझे वादा कीजिए कि आप संजोगता को अपना लेंगे। तुलसी? तुलसी नहीं, संजोगता। मैं तो बड़ी सौभाग्यवती हूँ, वरना तुलसियों के नसीब में मरने के लिए ये गोद कहाँ। उनकी मौत पर किसी की आंखों में ये आंसू कहाँ। मैं नहाली आंसू के इस एक बूंद में, मेरे लिए यही गंगा जल है। मैं आपकी जिंदगी से नहीं जा रही हूँ कुंवर जी, मैं तो बस संजोगता के रास्ते से हट रही हूँ। कभी मौका मिले तो उसे बताना कि हर वेश्या में एक औरत भी होती है जिसे न जीने का मौका मिलता है न मरने का, लेकिन मुझे औरत की तरह जीना भी मिला और मरना भी। जब तक आप नहीं आए थे मुझे डर लग रहा था, लेकिन आप अब चैन। तुलसी, माधो। जी सरकार, थोड़ी देर के लिए रोक लेने। ठहरो, ठहरो। यही तो एक आंगन है तुलसी, जिसे तू जीते जी देख नहीं सकी। आज जी भर के देख ले इसे, जी भर के देख ले।
उससे अपनी जिंदगी मांगी थी ना, उसने अपनी जान दे दी। तुम जिसे वेश्या और बाजारी औरत के आई थी, उसने मुझे मजबूर किया था कि मैं तुमसे शादी करूं। तुम्हारी मांग का सिंदूर भी उसकी मेहरबानी है। मैंने ये नहीं चाहता, इतना बड़ा बलिदान मैंने नहीं मांगा था उससे। मैंने नहीं सोचा था कि वो आत्महत्या कर लेगी। तुम्हें अपनी सुहागरात याद है? मैं तुम्हें इसी कमरे में अकेला छोड़कर चला गया था। उसने मेरी ही कोठी का दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर दिया ये कहकर। कुंवर जी, आज की रात आपके यहां आने की रात नहीं है। मुझे तुलसी के पास ले चलिए कुंवर जी। ये कलाइयां मेरी है लेकिन चूड़ियां तुलसी की, ये मांग मेरी है लेकिन सिंदूर तुलसी का। मुझे उसके पास ले चलो कुंवर जी, उसके पास ले चलो। आज तुलसी नहीं, मैं मर गई हूँ कुंवर जी, मैं मर गई हूँ। तुलसी तो मेरे रोम रोम में जिंदा रहेगी। समझने की कोशिश करो संजोक्ता। आप भी मेरे दिल और मेरी मजबूरी को समझिए ना। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुलसी सामने खड़ी कह रही है, मुझे निकाल कर जी नहीं भरा, अब मेरे बच्चे को भी घर से निकाल रही हो। उसे यहां ले आइए ना मेरे पास। हम उसे यहां नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि हम उसके बारे में किए जाने वाले किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे। लोग पूछेंगे किसका बच्चा है, तो क्या जवाब दोगी? मेरे प्यार को मेरा पाप न बनाओ संजोक्ता। दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है लेकिन उसे प्यार और पाप में फर्क करना नहीं आया। क्या तुम तुलसी के बेटे को ऐसी जिंदगी देना चाहती हो कि वो जहां भी जाए उसके जन्म की परछाई उसका पीछा करती रहे, एक पलंग उसके माथे पे लगा रहे, उसकी भलाई इसी में है कि उसे बोर्डिंग में ही डाल दिया जाए और वो भी उसका नाम बदल कर। जब उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, 20 साल बीत चुके होंगे, लोग तुलसी के नाम को भूल चुके होंगे, तब हम उसे वापस ले आएंगे। तब तुम उसे जो चाहे देना, सारी खुशियां देना। हालांकि मैं उसे कभी अपना नाम नहीं दे सकूंगा। Thank you.
यही है वो बच्चा जिसे मैं एडमिट करने आई हूँ। इसकी माँ मेरी सहेली थी, बेचारे का देहांत हो गया। ऐसे बच्चे का नाम अजय कुमार चौहान। फादर्स नेम? राजनाथ सिंह चौहान। एड्रेस? मकान नंबर 312, गली नौबत राय सराफ, बिलासपुर। इसके रोने की आवाज सुनकर कोई इसके पास तो आ जाया करेगा ना। एक बात याद रखिए, ये कॉन्वेंट ऑफ वर्जिन मैरी है। यहाँ पे बच्चों को चाहे और किसी चीज की कमी महसूस हो, लेकिन प्यार की कमी कभी महसूस नहीं हो सकती। डोंट वरी। तुम एक काम करो, इसे नर्सरी में ले जाओ, संभाल के। ठहरो। अब तो आप काफी अच्छी हो गई, बस यही दवाएं दो एक दिन और खा लीजिए। बाहर में जाए तुम्हारी दवाई। तुम्हारी दवाई तो मैं पिछले 15 दिनों से नहीं खा रही, तभी तो अच्छी हो रही हूँ। मेरा इलाज तो बहू ने कर दिया है डॉक्टर साहब। बहू ने? मैं तो बहू की खबर सुनकर ही ठीक हो गई हूँ। यूं क्या देख रहे हो, मैं पागल नहीं हुई हूँ। मुझे अब कुछ नहीं होने वाला। मैं पोता देखे बगैर मरने वाली नहीं हूँ। शादी पर हुआ करती थी। बहू अब संभालो इस हवेली को, मेरा कोई ठीक थोड़ी है। मैं तो बस इसी के इंतजार में जी रही। लो वहां मत बैठो बेटा। क्यों नहीं? ये कुर्सी तुम्हारे पिताजी की है। लो दूध पी लो। मैं दूध नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। तुम दूध पियोगे और तमीज से बात करना सीखोगे, समझे? चलो पी लो। यो
क्या हुआ? सोच रही हूँ जाके अजय को देखा। अभी पिछले हफ्ते तो गई थी। कल रात मैंने सपना देखा, वो रो रहा था, जब ही से मन बेचैन है। आ जा मेरे बच्चे। ये परेशान तो नहीं करता? परेशान तो नहीं, लेकिन हाँ झगड़ा बहुत करता है। क्यों? जानती हो, मुझे कहता है कि आप भी हमारी बीजी की तरह माथे पर बिंदिया क्यों नहीं लगाती? पगला कहीं का, सिस्टर लोग कहीं बिंदिया लगाते हैं? हमको आपकी बिंदिया बहुत अच्छी लगती है। ये पढ़ाई वढ़ाई में जी लगाता है या नहीं? पढ़ाई वढ़ाई में जी तो बिल्कुल नहीं लगाता, लेकिन हमेशा A1 ग्रेड पाता है। अच्छा, ओहो। देखो प्रताप, हम घोड़े को जंप कैसे करवाते हैं। हाँ हम देखते हैं। ये दिखा माँ कैसे जंप मारा। वेरी गुड। देखा माँ कैसे जंप मारा। अब मैं भी ऐसे जंप मारूंगा। सॉरी संजुक्ता, तुम्हारे साथ जितनी गुजरी बहुत अच्छी गुजरी। तुमने मुझे कभी कोई दुख नहीं दिया। अलग से मैं अपने बारे में ये नहीं कह सकता, लेकिन मरने वालों को माफ कर देने का रिवाज। मैं तुम्हारे एहसान मंद हूं कि जब मैं तुलसी की याद में लिपटा हुआ तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे इस याद समेत स्वीकार कर लिया। खिड़की के पास ले चलो, तुलसी को भी देख लो। तुलसी देखो, तुलसी तुलसी में आ गई। देखो दिख रही है ना? अजय बेटा है। आप सिस्टर बन गए क्या? नहीं तो। बिंदिया क्यों नहीं लगाई? बहुत लगा चुकी बिंदिया बेटा, अब जी नहीं करता। अजय तुम जल्दी से बड़े हो जाओ बेटा, जल्दी से बड़े हो जाओ।
हेलो माँ। आओ प्रताप। प्रताप अजय आ रहा है। ओफो, कितनी बार बताओगी माँ, परसों से 100 बार आपने ये बताया है कि उसकी माँ बचपन में गुजर गई थी, कि आपने उसे पाला है और इसलिए वो एक तरह से मेरा बड़ा भाई है। नहीं प्रताप, कहने का मतलब ये है, उसने इंजीनियरिंग पास की है, फैक्ट्री संभाल लेगा। गुड, मैं तो पहले ही फैक्ट्री से बोर हो चुका हूँ। देखो प्रताप, तुम जरा तेज मिजाज हो, उससे वो बर्ताव न करना जो तुम दूसरे नौकरों से करते हो। अजय नौकर नहीं है, आपकी सहेली का बेटा है। और चाय। तुमने मुझे टमाटर क्यों मारा? ये क्यों नहीं पूछती कि टमाटर किसी और लड़की को क्यों नहीं मारा? क्या मतलब? हाय, ये गोरा रंग, उस पे बसंती लहंगा चोली, टमाटर से रहा नहीं गया, बेकाबू हो गया। छोटी ठाकुर, तुम्हारा कुछ इलाज करना पड़ेगा। आपके परेशान होने से वो जल्दी तो नहीं आ जाएगा। प्रताप। हेलो प्रताप। हेलो अजय। आओ अपना कमरा देख लो। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है माँ, वो यहाँ इस हवेली में क्यों रहेगा? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? एतराज तो नहीं है माँ, मगर नौकर आश्रम नौकर होते हैं फिर। देखो प्रताप, एक बात अच्छी तरह समझ लो, अजय सिर्फ नौकर ही नहीं, मेरी सहेली का बेटा है, और तुम्हारे माँ बाप पर उसके इतने एहसान हैं कि एक तरह से यह हवेली अजय की है। अच्छा होगा कि तुम उसे अपना बड़ा भाई मानो। पर मुझे बड़े भाई की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है माँ। आओ अजय, वहां नहीं, यहां बैठो। अग्रवाल, यहाँ के मैनेजर। आप हैं मिस्टर अजय कुमार, आज से इस फैक्ट्री के जनरल मैनेजर। हाउ डू यू डू, प्लीज टू मीट यू। इस नेम प्लेट के नीचे ये नया नेम प्लेट लगा। यहाँ इस दरवाजे पे बीजी का आर्डर। आई सर्वेंट है, यू सर्वेंट है, आर्डर ओबे करने के सिवा कुछ नहीं करने को सकता। लगा कुमार चौहान, जनरल मैनेजर। मिस्टर सुब्रमण्यम, वणक्कम सर। ये क्या हो रहा है? जनरल मैनेजर है, नेम प्लेट पुटिंग है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर इस दरवाजे पे क्यों? क्योंकि मैंने अजय को ये ऑफिस दिया है। अजय, ये है मिस्टर सुब्रमण्यम, हमारे चीफ अकाउंटेंट। वणक्कम सर, वेरी प्लीज टू मीट यू। अब मैं फैक्ट्री में नहीं आया करूंगी। सॉरी, आज से फैक्ट्री का चार्ज अजय के हाथ में दे रही हूँ। और हाँ, मेरी जगह सिग्नेचर भी इन्हीं की चलेंगी। आप जा सकते हैं। आओ जी। ये स्वर्गीय कुंवर जी का ऑफिस था,
आज से तुम्हारा है। बीजी, मैं अगर किसी और कैबिन में बैठूं तो ज्यादा मुनासिब होता। मुझे लगता है प्रताप। मैं इस फैक्ट्री की मालिक हूँ, प्रताप नहीं। प्रताप वहीं बैठेगा जहां मैं कहूंगी, और तुम भी वहीं बैठोगे जहां मैं कहूंगी। आओ अपनी कुर्सी पर बैठो। स्वर्गीय कुंवर जी का ऑफिस बैठने को दिया। ही वो सर आज स्वर्गीय ठाकुर साहब के ऑफिस में बैठ गया है। कल फैक्ट्री का मालिक भी बनकर बैठ सकता है। आई तो सर्वेंट सर, यू मास्टर, मगर होशियार रहना मांगता है। गॉड नोज व्हाट माय गॉड आल्सो नोज दिस कि मैं कुंवर जी के इकलौता बेटा हूं और इस फैक्ट्री का मालिक भी। आई होप यू आर राइट सर। देखिए मैं माफी चाहता हूँ, गलती मेरी नहीं थी, वो तो घोड़ा अचानक सामने आ गया। तो घोड़ा और क्या करता, घोड़े की लगाम में कोई हॉर्न फिट नहीं होता जो मैं उसे बजाती हुई निकलती। हॉर्न आपको देना चाहिए था। मेरे पास आप जैसी बड़ी बड़ी हेडलाइट्स नहीं है, वरना मैं आपको मोड़ से पहले देख लेता। लगता आपको ड्राइविंग नहीं आती। करेक्ट, इसी तरह सवारी सीख कर घोड़े पे बैठा जाता, घोड़े से गिर कर सवारी नहीं सीखी जाती। Am I right wrong or right? मुझे सवारी नहीं आती, मैं ठाकुर स्टड फार्म की मालिक हूँ। होंगी होंगी, लेकिन इस वक्त तो आप किसी फिशिंग फार्म की मालिक लग रही हैं। वैसे पानी कैसा है, ठंडा गरम या कुनकुना? देखिए मैम साहब, आप मेरा कहना मान लीजिए, जब तक सवारी करने ना आ जाए आप एक ड्राइवर रख लीजिए। ड्राइवर घोड़ा चलाता रहेगा और आप आराम से पीछे बैठकर सवारी करते रहिएगा। और हाँ, सेफ्टी के लिए आप अपने एक हाथ में भौंपू रख लीजिए। हाँ, ड्राइवर घोड़ा चलाता रहेगा और आप पम 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 पम। और अगर कोई ड्राइवर ना मिले तो बंदा हाजिर है। लीजिए मैम साहब, मुंह साफ कर लीजिए, फिर कभी मुलाकात हो तो पहचान तो सकूं चेहरा कैसा है। ये क्या कर रही है तुम? वही जो तुम उस दिन कर रहे थे, टमाटर का जवाब संतरा। ओ, ईद का जवाब पत्थर। नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया। खुदा करे वो वक्त जल्दी आए। तुम एक मोटा सा बड़ा सा पत्थर लेकर मेरे सर पे मारो और मैं पागल हो जाऊं, फिर मैं गली गली दर बदर भटकता तुम्हें पुकारता फिरूं। लोग कहेंगे ये दीवाना है, ये पागल है, मारो इसे, पीटो इसे। फिर तुम दौड़ती भी आओगी और कहोगी नहीं, ये दीवाना नहीं है, ये मेरा दीवाना है, इसे पत्थर मारने का हक सिर्फ मेरा ही है। लोग खामोश हो जाएंगे, फिर तुम चीख चीख कर ये शेर सुनाओगी, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। वो तो तुम हो ही चुके हो। आज इतनी देर कैसे हुई? डैडी, आज उन ठाकुरों के घोड़े ने दो और साइसों को अस्पताल भिजवा दिया है। दो और गए? अरे बेटा, जिस घोड़े के बाप ने इस इलाके के सबसे बड़े शह सवार को यमलोक पहुंचा दिया, उसका बेटा क्या दो चार सईसों को अस्पताल भी नहीं पहुंचा सकता? क्यों नहीं? कल मैं उस पे सवारी करूंगी, देखती हूँ वो क्या करता है। बिल्कुल ठीक। तुमसे कितनी बार कहा तुझे गोली मार दो, मगर तुम हो के बस। आज शाम तक अगर उसे नहीं बेचा तो कल तुम्हें उस पर सवारी करनी पड़ेगी। मेरे पास और हाथ पांव तोड़ाने के लिए सही नहीं है। हाँ, तुम जी
याद आ गया। क्या याद आया? वो हवेली वाले हैं ना, आज घोड़ा खरीद करने के लिए आ रहे हैं। तो क्या हुआ? और साथ में रानी माँ भी आ रही है। फिर? सुना है कि वो अपने बेटे के लिए लड़कियों की तलाश में है। ऐसा? ये तो अच्छी बात है, आ जाने वाले हैं। तो मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। क्यों तैयारी कर रहे हैं आप? आइए 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 आइए, आप लोग जाइए, आइए 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 जी। अरे आप लोग कब आए? नमस्ते। नमस्ते। आप लोग यहाँ क्यों? अंदर चलिए। यही बड़ा अच्छा है। अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए बैठिए। भीम सिंह तलवार, भीम सिंह तलवार, भीम सिंह तलवार अटक गई आपकी। निकल गई, बैठिए आप। अब तलवार लगाने की प्रैक्टिस नहीं रही। तलवार लगाने का जमाना ही कह रहा है ठाकुर साहब। ये दोनों आ रहे थे, मैंने सोचा मैं भी चलूं। बहुत अच्छा किया। इन्हें घोड़ा लेना है और मुझे एक लगाम। लगाम? नमस्ते जी, जीती रहो। ये 5 फीट 6 इंच की लगाम रही, इसे स्वीकार कीजिए। दादी। अगर आप इजाजत दें तो हम घोड़ा देखें। अरे वाह वाह, वो घोड़ा तो बहुत अच्छा घोड़ा है। आइए। हाँ हाँ चलिए, दीजिए जरा देख के आते। माँ मैं भी जाता हूँ। इनमें से कौन सा घोड़ा है? वो रहा सफेद, बहुत सीधा है और बहुत तेज भी। ओ, तेज भी है। सुनो, तुम सफेद घोड़े पे काठी चढ़ा दो। नहीं माई बाप, उस घोड़े पर नहीं। क्यों, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, कोई 10-12 साइज अस्पताल पहुंच चुके हैं इस पे काठी बिठाते बिठाते। ओ, तो आप हमें भी अस्पताल भेजना चाहती हैं? जी नहीं, आप इशाय सवारी देखना चाहते हैं। अच्छा, मैं पहना देता हूँ काठी। लाओ। सॉरी, आपका प्लान चला नहीं। देखते रहिए, चलेगा। प्रताप की मदद तो कीजिए, चाहिए। जरा सुनिए, एक बात और, एक शर्त रहे। अगर आपने इस पे काठी पहना दी और सवारी कर ली तो ये घोड़ा आपका मुफ्त। मेरी भी एक शर्त है। कहिए। अगर मैं अस्पताल में पहुंच गया तो मरहम पट्टी करने के लिए आपको आना पड़ेगा। मंजूर, पहले आप गिरिए तो सही।
एम्बुलेंस मंगवाओ। अभी नहीं, अगर वो लड़का गिर पड़ा तो तुम्हें उस घोड़े पर सवारी करनी पड़ेगी। हाँ, कहा नहीं था उसे गोली मार दो, भेज दो। आप कहो तो उस घोड़े पे तो क्या, इस घोड़े पे बैठ सकता हूँ मैं, इसके बाप पे बैठ सकता हूँ। तो घोड़ा हो गया मेरा? बिल्कुल, ले जाइए। लेकिन रहेगा आपके पास। क्यों? फिर कोई शर्त लगाने का मौका मिले। ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूं। खेल शुरू करते हैं, मैं नहीं आ गई। तुम यहां क्या कर रही हो? पोलो खेलने आई हूँ। पोलो खेलने? तुम पोलो खेलने आई हो? जी। देखिए, यहाँ कीचड़ नहीं है, गिरोगी तो बहुत चोट लगेगी। अजय, भवानी सिंह का कूला उतर गया है, उसकी जगह मैंने इन्हें टीम में ले लिया है। तुम भी कमाल करते हो प्रताप, पोलो कोई लड़कियों का खेल है। उदय सिंह आया है ना, उसे बुला लो। ये खेल से हम लोगों का ध्यान हटाने के लिए टीम में शामिल की गई है अजय साहब। कभी हम इनकी खूबसूरत आंखों की तरफ देखेंगे, कभी इनकी पतली कमर की तरफ, और कभी। Will you just shut up, अजमेर सिंह? तुम्हें हराने के लिए हमें तुम्हारा ध्यान हटाने की जरूरत नहीं अजमेर सिंह, लेकिन हैरानी इस बात की है कि तुम इतने पुराने ठाकुर वंश के सपूत हो और एक लड़की से इतनी बड़ी बदतमीजी। बड़े लोग बदतमीजी भी करते हैं तो बड़ी ही, छोटी नहीं। जाहिर है कि तुम वाकई बहुत बड़े खानदान के हो। अरे नैनी, तुम अभी तक यहां हो? चलो आउट ऑफ द फील्ड, आउट ऑफ द फील्ड, खेल का वक्त हो गया। अजय साहब, इन्हें अंपायरिंग करने दीजिए ना। तुम भी कमाल करते हो, अंपायरिंग के लिए भी तो अच्छी घुड़सवारी आनी चाहिए। अंपायर गिर गया तो पोलो क्या खाक खेलेंगे? चलो जाओ जाओ। अजी सुनिए, हमें गुड लक नहीं कहोगी? गो टू हेल, तुम कम से कम 20 गोलों से हारोगे। सुन लिया? सुन लिया। तो फिर ये वहां क्या कर रही है?
घूर रही है। क्या कहा? घूर रही है? तो फिर इनसे कह दो कि घूरना बंद करे और नीचे आ जाए अपने हाथों में गुलाल लेकर। ये क्या बदतमीजी है? सुनो भाइयों सुनो, ये होली को बदतमीजी कह रही है। तो भी हमें क्या करना चाहिए? जो पंचों की राय तुमने लड़की को देखा? देखा लड़की पसंद है? सुन यार, तुझे लड़की पसंद है? हाँ पसंद है। मेरी खिड़की बंद है, मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है, ये खिड़की खिड़की ये खिड़की ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है, मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है, ये खिड़की खिड़की ये खिड़की ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। लगता है मेला ना जाने कहाँ, आशिक जमा होते हैं यहाँ, अरे सबको पता है ये दास्तां, किस घर में है एक लड़की जमा, आंखें झुका के गुजरो इस गली से, आने जाने वालों से कहती है ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। गम की घटा है ये छट जाएगी, आहों से दीवार फट जाएगी, जब सामने से ये हट जाएगी, घूंघट में गोरी सिमट जाएगी, एक रोज खुल जाएगी टूट के ये, कितनी नजरों के तीर सहती है ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। सोचे मेरे बारे में वो, अरे बातें करे दो इशारे में वो, चुप से खड़ी है उस किनारे में वो, उस पार वो है और इस पार मैं हूँ, नदियाँ बीच में बहती है, ये खिड़की
ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। मिस्टर अग्रवाल, मशीन को क्या हुआ? जी मशीन है, खराब हो गई। आपने चेक किया? जी नहीं। तो फिर आप किस मर्ज की दवा है? साहब मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, मशीन तो नहीं चलाता है। मशीन ठीक करने वाले और लोग हैं, जब वो आएंगे काम शुरू हो जाएगा। ओ आई सी, मोटर तो चल रही है। जी। तो इसका मतलब वैक्यूम नहीं होगा। आई डोंट नो। चलो आप इंजीनियर होते हुए इतनी सी बात को अटेंड नहीं कर सके, ये तो सरासर लापरवाही। ठीक है साहब, अगर ये बात है तो मैं रिजाइन करता हूं। ये आपकी मर्जी है, लेकिन आइंदा इतनी सी बात के लिए काम नहीं रुकना चाहिए। यहां क्या कर रहे हैं? तुम्हारा इंतजार। मेरे रास्ते से अलग हटकर किया कीजिए अपना इंतजार। प्रताप, अब ये बचपना छोड़ो, तुम बड़े हो गए। बड़े आप हो गए हैं, मैं तो अभी जवान हूं। अच्छा ये बताओ, तुम आज भी पोलो खेलने क्यों नहीं आए? पोलो आप खेला कीजिए, मेरे तो और भी खेल हैं। या मां, आज किस पर झल्लाए हुए हो? अपने आप पर चला रहा हूं। आप तो इस हवेली के बाहर निकलती नहीं है, मगर लोग मुझसे पूछते हैं। क्या पूछते हैं लोग? पूछते तो बहुत कुछ है। कौन है यह अजय? आप पर उसका इतना अधिकार क्यों है, इतना असर क्यों है? ये तुम पूछते हो या लोग? अगर लोग पूछते हैं तो जवाब यही है कि उन्हें यह सवाल करने का कोई अधिकार नहीं। और अगर मैं जानना चाहता हूं तो? क्या तुम्हारे लिए यही जान लेना काफी नहीं कि तुम्हारी मां ने उसे ये अधिकार दिए हैं? मगर क्यों दिए हैं, किसने दिए हैं? क्योंकि मैंने यही ठीक समझा। प्रताप साहब, प्रताप आज की शाम कहां गुजारी जाएगी? ये भी कोई पूछने की बात है? क्लब में चलकर रमी खेलेंगे। करेक्ट। हटो यार, हमेशा वेजिटेरियन बातें करते हो। सुना है बाजार में चंपा के लिए नाम किया कयामत जवान हो गई है, और हमने आज तक किसी कयामत को करीब से देखा तक नहीं। तो फिर चलो दिखाते हैं। ते थे
लड़की नहीं, कोई जादूगर नहीं हो। कहाँ जा रही हो तुम? माफ कीजिए, बहुत थक गई हूँ। चंपा, मैं क्या कह रहा था, मेरा मतलब है कि अगर इधर कहाँ चले सरकार, जीने का रास्ता उधर है। मैं जानता हूँ कौन सा रास्ता किधर जाता है, और ये भी जानता हूँ कि कहाँ जा रहा हूँ मैं। मगर वो रुपए, ये लो, कितना चाहिए? इनसे ज्यादा रुपए तो नाइन ले गई है, चंपा के नाखूनों के कटाई के लिए। फिर कभी तशरीफ लाइएगा हुजूर, बच्ची कहीं भागी थोड़ी जाती है। ठीक है लीला बाई, आज की रात में अधूरी छोड़े जाता हूं, इसे पूरी करने फिर आऊंगा। लड़की क्या नाचती है, क्या अदा है? प्रताप साहब, ये सुरेश साहब नहीं है, जोहरी है, तो सीध से मोती निकालना कोई नहीं आता है। तो सिर्फ रखिए, सरकार चंपा की मैच सुनते सुनते यहाँ आ पहुंचे। अरे ओ गुलाबी, चंपा को भेजो। नहीं नहीं, उन्हें तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं, बस मैं दो मिनट आपसे बात करके चला जाऊंगा। हाय, मुझे गोड़ी से क्या बात करेंगे सरकार, तुम तो पुरानी शराब हो लीला भाई। देखिए, दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि चंपा उन लड़कों के सामने ना आए जो अभी अभी यहाँ आए थे। जी क्या फरमाया सरकार, हम धंधे वाले अगर रेशम को छांटने लगे तो हो चुका हमारा धंधा, हमें फाके करेंगे क्या सरकार? देखिए बात यह है कि, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें उन लोगों से क्या मिलने की उम्मीद है? बच्चे नादान हैं, फिर भी महीने में 2,500 कहीं नहीं गए। मैं तुम्हें 5,000 रुपए महीना दूंगा। 5,000 सिर्फ उन्हें रोकने के लिए? जी हाँ, जैसे सरकार की मर्जी। और सरकार, जो उन्होंने आने के लिए 10,000 कहे तो? जो आदमी 5,000 रुपए उन्हें रोकने के लिए खर्च कर सकता है, वो 10,000 तुम्हें शहर से बाहर निकालने के लिए भी खर्च कर सकता है। समझ गई? समझ गई, समझ गई। अजय, क्या मुझे अपने लिए भी रुपए तुमसे सैंक्शन करवाने पड़ेंगे? सर, आई टोल्ड है, साइन वाउचर एंड टेक मनी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं नौकर नहीं मालिक हूँ, वाउचर पे साइन नहीं करता हूँ। सर सर, मिस्टर सुब्रमण्यम, लाओ मैं वाउचर पे साइन कर देता हूँ। थैंक यू सर। लीला बाई, हम आज उस रात की अधूरी नींद पूरी करने आए हैं, बुलाओ चंपा के लिए को। चंपा का सौदा हो चुका सरकार, अब इस गुलाबी से दिल बहलाइए। हमारा दिल चंपा पर आया है और हम चंपा ही से दिल बहलाएंगे। मैं कोठे पर उधम नहीं चाहती, मेहरबानी करके आप तशरीफ ले जाइए यहां से, वरना। वरना? वरना क्या? चुम्मन मियां, चुम्मन मियां। ले जाओ अपने तशरीफ का टोकरा यहां से। लीला भाई की तो मैं ऐसी तैसी कर लूंगा। अरे यार, तुम खामखा गरम हो रहे हो, हम लोग यहाँ इश्क करने आए थे या बाजारी लोगों से फायदा है? तुम क्या समझते हो कि इनमें से किसकी हिम्मत थी हम पे हाथ उठाने के लिए? क्या कर लेते हो? सरकार, कौन हो तुम? आप गुलाम ठाकुर साहब, आप रहीस लोग हैं, भला आपको कौन रोक सकता है? हाँ, मगर ऐसा हुआ है। हुजूर, अगर आप चाहें तो वैसा भी हो सकता है जैसा आप चाहते हैं। अगर कोठे पे मान गई होती तो ये रुपए तुम्हें मिलते, अब तुम मुझे मुफ्त मिलोगी और ये रुपए मेरे दोस्त लोग उड़ाएंगे। जाओ ऐश करो। और ये क्या कर रहा है? खबरदार, अगर किसी आदमी ने बलवा किया 10 आदमी बाहर और खड़े। Thank you.
चुम्मन, इन लौंडों को अपने अपने घर भिजवा दो और रास्ते में दूध जलेबी भी खिलवा देना इन्हें। चलो 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 चलो। बहुत दिनों के इंतजार के बाद आज हवेली वालों से मेरा हिसाब चुकता होगा। क्या बकती हो तुम? बक नहीं रही हूँ छोटे ठाकुर, समझा रही हूँ। रंडियों का पाला भड़वों, रईसों और पुलिस वालों से अक्सर पड़ता है। जुम्मन भैया, जरा पुलिस वाले को बुलाना कि हवेली वाले छोटे ठाकुर कोठे से मेरी बच्ची को उठा लाए। इन लोगों ने मेरा ही घर ताक लिया है। बाप एक को लेके भागा था, बेटा दूसरी को। मुझे 1,00,000 रुपया नगद यहीं के यहीं चाहिए। मैं लड़की ले जाऊंगी, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाऊंगी। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने भी नहीं चाहिए लीला भाई। अच्छा, मुझे इस मुसीबत से बचाओ। मैं बात करता हूँ। बात क्या करनी है? अरे वाह रे वाह, एक मेरी बच्ची को उठा के ले आया और दूसरा कहता है पुलिस में रिपोर्ट मत लिखाना। 1,00,000 रुपया गिन के नगद यहाँ रख दो, फिर बात बनेगी। नहीं तो? नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। लीला भाई, अकल से काम लो। पचास हजार दे दीजिए सरकार, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप लोग जाइए, कल आपको रुपए मिल जाएंगे। ना 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 ना, लीला भाई इन चक्रों में आने वाली नहीं। अगर उधार रखना है तो एक कागज पर लिख दो। कागज कलम हाजिर है सरकार, बंदा पैदा ही किस लिए हुआ है? हर चीज हर वक्त हाजिर कर दी जाए। बीजी के सेफ में से। बीजी के? और कहां से? लेकिन एक शर्त। क्या? तुम बीजी से ये कहोगे कि चोरी तुमने की। अरे चोरी? देखो पता, तुम बीजी से ये कहना कि ये रुपए तुम चूहे में हार गए थे, क्योंकि चूहे की बात तो बीजी सह लेंगी लेकिन तवायफ की बात वो कभी नहीं सह सकेंगी। बोलो मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। पूरे 50,000। हाय हाय, मैं बारी जाऊं? बारी बाद में जाओ, पहले वो नोट निकालो। हाँ ये लो। अब एक बात बता लीला भाई, तुमने मेरे पिताजी का नाम क्यों लिया था और ये क्यों कहा था कि हवेली वालों ने तुम्हारा ही घर ताक रखा है? ताका नहीं हुजूर, लूटा है। तुम्हारे पिताजी मेरी तुलसी को उठा ले गए थे। तुलसी कौन थी? तुलसी भी एक चंपा कली थी सरकार। फिर क्या हुआ? लड़की बहुत बेवकूफ थी सरकार, उनकी बातों में आ गई और जब शादी से पहले उनके यहां बच्चा हो गया तो कुंवर जी ने आपकी माता जी से शादी कर ली। अच्छा, कहां है वो बच्चा? लौंडी को ये तो नहीं मालूम सरकार। कमाल करती है बीजी आप। अगर नौकरों ने चोरी नहीं किया है तो क्या अजय या मैंने किया? प्रताप, तुम जानते हो हमारे नौकर चोर नहीं है। मैं क्या जानू? बीजी, वो 50,000 रुपए मैंने लिए थे। तुम्हारा मतलब अपने ही घर में चोरी की तुमने? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? एक जुआ खेला था बीजी, उसी में हार गया। प्रताप, तुम बाहर जाओ। पालने में
मुझसे कहीं ना कहीं कोई भूल हो गई शायद। तुम्हें इस घर में लाने से पहले मैंने तुम्हारी माँ की याद को वचन दिया था कि तुम्हें प्रताप से ज्यादा प्यार दूंगी, और प्रताप की कसम मैंने अपना वचन निभाया। लेकिन आज आज तुमने मुझे अपनी माँ के सामने झूठा बना दिया। मेरी जिंदगी भर की तपस्या भंग कर दी तुमने। मुझे 50,000 जाने का दुख नहीं अजय, तुम्हारे खो जाने का दुख है। तुम जुए में रुपए नहीं आ रहे, मुझे हार गए। तुमने चोरी कबूल क्यों नहीं की? देख क्या रहे हो? देख नहीं रहा हूं, सोच रहा हूं। और क्या सोच रहे हो प्रताप? तुम जानते हो कि तुमने आज मुझे बीजी की नजरों से गिरा दिया। तुम मां के निगाहों से गिर नहीं सकते। इतना बता दो, तुम इस हवेली के क्या लगते हो कि मां तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करती है? मैंने तुम्हारी मां की याद को वचन दिया था कि मैं प्रताप में और तुम में कोई फर्क नहीं करूंगी। फर्क तो आपने जरूर किया बीजी। प्रताप से आपने मुझे बहुत ज्यादा चाहा। हाँ, मैंने तुम्हें अपनी तरफ से भी चाहा और तुम्हारी माँ की तरफ से भी। तुम्हारे लिए मेरा प्यार उसकी मेहरबानियों का सूद है। कर्ज तो कभी अदा हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो गुनाहगारों की तरह इस अंधेरे में सर झुकाए बैठी थी। माँ से बेटे की बातें छुपानी नहीं चाहिए अजय। मेरी मानो, बीजी को तमाम बातें साफ साफ बता दो। किसी दिन ऐसी उलझन हो जाएगी तुम संभाल नहीं सकोगे। नहीं नहीं नहीं, बीजी को यह सुन के बहुत दुख होगा, मैं उनसे नहीं कह सकता। तो फिर मैं कह दूंगी। नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगी। गीता जी, भांग के पेड़े कहाँ हैं? पेड़े? हाँ, ये पेड़े भांग के? हाँ भांग के। जादू? हवा, बादल, पानी, खेत, सब्जा, पेड़, ये भी तो है। पागल हो गई हो क्या? अपनी सुनो, जो मैं पी के पास गई अपनी छब बनाए के, जो मैं पी के पास गई, जब छब देखी पीहू की, सो मैं अपनी छीनी रे मुँह से ऐना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी।
बहिया पकड़ हरनी, बहिया पकड़ हरनी, मेरे मोसे नैना मिलाए के छाप तिलक सब छी, मेरे मोसे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के छाप तिलक सब छी, मेरे मोसे नैना मिलाए के। हेलो तुम्हारी तानसेन ने तुम दोनों की बीन बजा दी। तुम लोगों की बीन बजाने मैं आ गया। मुन्ना दो प्यादा जी, इस गुस्ताख को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। अभी निकालता हूं, अभी निकाल दो। अरे ये तो हमारे जनरल मैनेजर साहब हैं। आलम बना, ये आपने फैक्ट्री कब खोली? इनकी हालत तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपकी अकल को क्या हो गया? अकल? सोच रहा हूं आप कहां से चपक पड़े, आते ही हमारे मालिक बन बैठे। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, ना तो ये आप जानती हैं और ना हम जानते। आप कहना क्या चाहते हैं? सोच रहा हूं बीजी आप पर इतना उपकार क्यों करती है, हवेली पे आपका क्या अधिकार है? हाँ प्रताप, मैं तुमसे यह पूछने आया हूं कि तुम्हें मेरे आदमियों को डांटने का हक किसने दिया? अरे भाई वो लोग काम के वक्त भंग पीकर उद्धम मचा रहे थे। वो लोग उद्धम नहीं मचा रहे थे, छुट्टी मना रहे थे, छुट्टी, और उन्हें छुट्टी मैंने दी थी। आई एम सॉरी, लेकिन अगर तू मुझे पहले बता देता तो मैं फैक्ट्री को आधी शिफ्ट बंद कर देता, नुकसान नहीं होता। नुकसान? नुकसान मेरा होता है, फैक्ट्री का मालिक मैं हूं, सिर्फ मैं और तुम नहीं। और इस बात को याद रखने की कोशिश करो कि हर नौकर की तरह तुम भी इस हवेली का नमक खा रहे हो, और बीजी की मेहरबानियां भी, तुम्हें इस हवेली का बेटा नहीं बना सकते श्रीमान अजय कुमार। आज एक बात अच्छी तरह समझ लो प्रताप, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे डरता नहीं, और बीजी को मैं पूछता हूं, और अगर बीजी कहती है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं तो मैं तुम्हारा नौकर नहीं बड़ा भाई हूं, और जब तक वो चाहेंगी मैं तुम्हारा बड़ा भाई बन के रहूंगा। बीजी कोई भगवान नहीं है कि किसी भी यतीम को मेरा बड़ा भाई बना दे, समझे? क्या कह रहे थे तुम, फिर तो कहो। मैं ये कह रहा था कि सड़क से उठाए हुए किसी ऐरे गहरे को अपना बड़ा भाई माना है और न मानूंगा। बीजी ये तो छोड़ मुझे, ये तो पागल है बीजी, ये इस वक्त गुस्से में है जो मुंह में आ रहा बोल रहा, इसका कोई मतलब थोड़ी होता। इसका मतलब होता है अजय, इसका मतलब है, इसका मतलब वही होता है जो बीजी समझ रही है, तुम मेरे भाई नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। छोड़ मुझे, पागल हो, बीजी के साथ ऐसी बातें करते हो? हाँ, मैं ऐसी बातें करता रहूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक किसी को जबरदस्ती मेरा बड़ा भाई बनाया जाएगा, और यह ना बताया जाए कि मेरी हैसियत क्या है, मैं कौन हूं। तुम सिर्फ अजय के छोटे भाई हो और कुछ नहीं। गलत कह रही हैं आप, मैं अपने मां बाप का एकलौता बेटा हूं, ना कोई मेरा बड़ा भाई है ना मैं किसी का छोटा भाई हूं। तेरी ये मजाक मुझसे जब बात लड़ाता है, निकल जा यहां से, निकल जा यहां से। यहां ये कोई ना भूले, ये घर मेरे बाप का है। अरे भाई मिस्टर अजय कुमार सिंह, जरा हमें भी तो बताओ कि इस बेपते के लिफाफे में क्या खास बात है कि जिसे देखो डिलीवरी लिए बैठा है। क्या मतलब? अरे मतलब कुछ खास नहीं है, अब हमें मिसाल के तौर पे ले लो, हमारा नाम है ठाकुर अजमेर सिंह, पिता का नाम है ठाकुर शमशेर सिंह, तो दादा का नाम भी बता दूं, डाक का पता पिछले 300 साल से एक ही चला रहा, और तुम खाली खुली नाम लिए घूम रहे हो और शहर में धूम मचा रखी है।
ठाकुर अजमेर सिंह जी, आपका खानदान आला होगा लेकिन खुद आप एक निहायत घटिया किस्म के आदमी, और मैं आपसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता। अरे भाई, तुम्हें ताल्लुक रखने की जरूरत भी क्या है? तरकीब जरा हमें भी तो बता दो, जिससे कि ऐसी खूबसूरत लड़की और वो लाल हवेली वाली ठकुराइन जैसी दौलतमंद बुढ़िया फंसाई जा सके। आइंदा अगर बीजी के बारे में कुछ कहा तो जान से मार डालूंगा। चलो सुब्रमण्यम सर, ये अजय का चक्कर क्या है? ये किसी को पता नहीं, ये कौन है, कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया? सुना है बीजी की किसी सहेली का बेटा है, मगर वो सहेली कौन थी हम तो उसके बारे में आज तक कुछ सुना ही नहीं। इसीलिए तो कहता हूँ कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं सर, गफला है। आखिर मेरा इस घर से क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है? कोई ना कोई भेद जरूर है। उस शहर का नाम क्या था जहां से बीजी तुम्हें बचपन में लाई थी? बिलासपुर। वहां क्यों नहीं चले जाते, सब पता चल जाएगा। कहिए, आज से कुछ 20-22 साल पहले इस घर में राजनाथ सिंह चौहान रहा करते थे, उन्हें के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। राजनाथ सिंह चौहान? जी हाँ। इस घर में रहते थे? यहाँ? जी हाँ। नहीं नहीं नहीं, 30 साल से तो मैं खुद इस मकान में रह रहा हूँ, और उससे पहले मेरे पिताजी। राजनाथ सिंह चौहान नाम का आदमी इस मोहल्ले में तो नहीं रहता, शहर का पता। मैं कौन हूं बीजी? आप मुझी को मुझसे कब तक छुपाई रखेंगे बीजी? क्या मैं एक कटी पतंग हूं जिसकी डोर का सिरा किसी के हाथ में नहीं, बस भटक रहा हूं? बिलासपुर के उस घर में कभी राजनाथ सिंह था ही नहीं। सच क्या है बीजी, सच क्या है? सच ये है कि जिंदगी की कुछ बातें इतनी खूबसूरत होती हैं जो वक्त से पहले नहीं बताई जा सकती। मैं आपसे दो बातें पूछूं, अजय को मुझसे ज्यादा पोजीशन क्यों दी गई है? कोई जवाब नहीं। उसे जबरदस्ती मेरा बड़ा भाई क्यों बनाया गया है? फिर कोई जवाब नहीं। तीसरे सवाल का जवाब है आपके पास, तुलसी कौन थी? तुलसी मैं नहीं जानती। मैं बताता हूं, तुलसी को पिताजी एक कोठी से उठा लाए थे और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। आखिरी सवाल, कहां है वो लड़का? तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा। हरि ओम मां पति न इंद्रो व्रतशुभापति न भूमा विषवेदा पति न तारको वरिष्ठनेमी स्वभिनो ब्रह्मत्रतरातु। जरा बेटे को बुला लीजिए। जरा रुको प्रताप, आओ मेरे साथ। यहां बैठो। मां, अजय यहां कैसे बैठ सकता है? अजय वहीं बैठेगा जहां मैं कहूंगी, और तुम भी वहीं बैठोगी जहां मैं चाहूंगी। बैठो अजय, शुरू कीजिए पंडित जी। ये बेटे का स्थान है रानी मां।
बेटे को ही लाई हूँ पंडित जी। क्या अजय के बारे में किसी को और कुछ पूछना है? ये सवाल सुनते सुनते मैं थक गई कि अजय कौन है। अजय मेरे स्वर्गवासी पति का बड़ा बेटा है। मैं नहीं मानता ये मेरे पिता का बड़ा बेटा है। क्या सबूत है आपके पास? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम अपने पिता के बेटे हो? तुम्हारा सबूत मैं हूँ। क्योंकि मैं कह रही हूँ कि तुम कुंवर जी के बेटे हो, इसलिए तुम कुंवर जी के बेटे हो। और चूंकि मैं कह रही हूँ कि अजय उनका बेटा है, इसलिए अजय उनका बेटा है। आप मेरी माँ है, इसलिए आप मेरे बारे में बतला सकती है, लेकिन आप अजय की माँ नहीं है। बुलाइए उसकी माँ को, गवाही दिलवाइए उसे, बताइए इस बिरादरी की उसकी माँ कौन थी। इसकी माँ की बात नहीं हो रही है, इसके पिता की बात हो रही है, और इसके पिता कुंवर जी हैं। माँ तुम पागल हो गई हो? भरी बिरादरी में खुद अपने खानदान पर कीचड़ उछाल रही हो। कीचड़ उछाल नहीं रही, कीचड़ उछल रहा है उसे रोक रही हूँ। इसलिए आज इस भरी बिरादरी के सामने ये ऐलान कर रही हूँ कि अजय एक लावारिस नहीं बल्कि इस खानदान का बेटा है, मेरे पति का बड़ा बेटा। और मेरे मरने के बाद वो अपने स्वर्गीय पिता की आधी जायदाद का वारिस बनेगा। कुंवर जी की भी यही अंतिम इच्छा थी। आपको अपने पति की जायदाद बांटने का पूरा अधिकार है रानी जी, लेकिन खानदानी शराफत के बाजार में ये खोटा सिक्का नहीं चलेगा। खोटा सच्चा मैं जानती हूँ ठाकुर अजमेर सिंह, क्योंकि ये बाजार नहीं हमारा घर है। ये अब हमारा घर कहाँ रह गया है माँ? तुमने तो इसे अजय की माँ तुलसी बाई का कोठा बना दिया है। माँ आप लोगों को नहीं बताएगी अजय की माँ कौन थी। मैं बताता हूँ, अजय की माँ तुलसीबाई नाम की एक वैश्या थी। वैश्या एक बालारी औरत। और अगर एक वैश्या का बेटा पिताजी का श्राद्ध करे तो मैं इस हवेली में हर गिर नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्यों? अगर कुंवर जी का श्राद्ध इसने किया तो इस हवेली से सारी बिरादरी का संबंध टूट जाएगा। टूट जाने दो, बिरादरी को खुश रखने के लिए मैं अजय का हक नहीं मार सकती। नहीं बीजी नहीं, आज मैंने अपने आप को पा लिया है। पता तो चल गया है कि मैं कौन हूं, मेरे माँ बाप कौन थे। यही जानना मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मुझे अपने अंधेरे में लौट जाने दीजिए बीजी। पिताजी का श्राद्ध प्रताप को ही करने दीजिए। नहीं, अपने पिता का श्राद्ध तुम करोगे। तो फिर हम लोग भी श्राद्ध में शरीक नहीं होंगे। हम भी नहीं। श्राद्ध में बिरादरी की जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ बेटे की जरूरत होती है, और वो भी एक बेटे की। प्रताप अगर आप लोगों के साथ जाना चाहता है तो जा सकता है। नहीं बीजी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा अजय। और अगर तुमने इस हवेली को छोड़ने की बात सोची भी तो मैं जान दे दूंगी अजय। और प्रताप अगर तुम इन लोगों के साथ चले गए तो तुम्हारे हिस्से की आधी जायदाद भी अजय को ही जाएगी। आइए ठाकुर साहब, आइए राणा जी, आइए कुंवर साहब। अब इस घर में राजपूतों का कोई काम नहीं। प्रताप क्या कर रहे हो? प्रताप बैठ जाओ, प्लीज जी। गुस्से में बैठो अजय, अपने पिता का श्राद्ध करो। ओम पाया प्रथव्यां पयो कदीशु पयो दिव्यंतरिके पयो दापयत्पति प्रदश्वेतंतु मयम। जिस दिन अजय यहाँ आया था और बीजी ने उसके लिए कुंवर जी का कमरा खुलवाया था, उसी दिन मेरा माथा ठनका कि दाल में जरूर कुछ काला है। व्हाट आर यू टॉकिंग सर, दाल में कुछ काला है? एंटायर दाल काला है। मुझे मालूम है, मगर जब तक माँ उसकी मुट्ठी में है कुछ नहीं किया जा सकता। बीजी जी का कान भरने को मांगता है। पैसा आप लेता था, वाउचर वो साइन करता था,
अपॉर्चुनिटी देखकर बीजी जी को बोल दो अकाउंट में घपला है गवाही देने के लिए। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस सर। हाँ आपको याद होगा आप किसी IOU की बात कर रहे थे। बस मौके की ताक में रहिए, जिस दिन लोहा गर्म हो वाउचर्स और IOU बीजी के सामने पेश कर दीजिए। राइट है, फिर देखिए क्या होता है। यहां से चली जाओ नैनी, मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मैं हूं अपने माता पिता की नाजायज औलाद। मेरी जिंदगी एक कलंक है और मैं तुम्हारे माथे पर उस कलंक की बिंदिया नहीं लगाना चाहता। मैंने तुम्हारे माता पिता के विवाह से नहीं तुमसे प्यार किया है, और मैं तुम्हारी परछाई नहीं कि हालात के अंधेरे में तुम्हें छोड़कर रोशनी ढूंढती हुई कहीं और चली जाओ। और मैंने मैंने मगर अब ऐसा लगता है जैसे मैं कोई आदमी नहीं एक लावारिस दीवार हूं जिस पर हर आने जाने वाला थूक देता है, गाली लिख देता है। जिस चीज पर तुम्हारा इख्तियार नहीं उस पर शर्माना क्यों? मां वेश्या या ठकुराइन नहीं होती अजय, मां मां होती है। बहनी मुझे इस बात का दुख नहीं कि मेरी मां ने एक कोठे पे जन्म लिया था। मुझे बीजी ने सब कुछ बता दिया है। मेरी मां एक देवी थी, लेकिन फिर भी तो मैं कुंवर जी की नाजायज औलाद ही कहलाऊंगा। गलत, बिल्कुल गलत। जिस बात को मैंने मान लिया, जिसकी बीजी को कोई परवाह नहीं उसे दुनिया भी मानेगी। तुम्हें इज्जत मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैं बता रहा था आप जिस घोड़े के लगाम के लिए आई थी मैंने उस पर काठी चढ़ा दी। जी उस घोड़े का नाम है अजय। ठाकुर साहब आपका फिलहाल बच्चे का क्या हाल है? वो भी ठीक है, घोड़े भी ठीक है, पर मेरे लिए अब तबेले में बैठ के खाने के दिन आ गए रानी जी। दुनियादारी की काठी उतारना चाहता हूँ, ख्याल आया एक फैक्ट्री डाल दूं। अजय भागीदारी के लिए तैयार हो गया। अजय आपके साथ भागीदारी कर रहा है, उसने मुझसे तो नहीं कहा। निकल गया होगा दिमाग से। अच्छा तो इजाजत दीजिए मैं चलूं। नमस्ते। अजय भागीदारी कर रहा है और मुझे बताया तक नहीं। अब मैं क्या बताऊं मां की? खैर छोड़िए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। प्रताप बैठ जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? आप सुन नहीं सकेंगे। क्या सुन नहीं सकूंगी? यही कि हवेली के अंदर देवता दिखाई देने वाला आपका अजय हवेली के बाहर क्या क्या गुल खिला रहा है। तुम्हें तो अजय के खिलाफ बोलने का मौका मिलना चाहिए। मौके तो बहुत मिले माँ, मगर मैंने मौके का फायदा नहीं उठाया। मैं आपका दिल तोड़ना नहीं चाहता था, मगर अब तो हद हो गई है। मैं आपको कुछ बताना नहीं दिखाना चाहता हूं। उसकी हैंडराइटिंग तो आप पहचानती होंगी। वो 50,000 रुपए जुए में नहीं यहां गए थे, एक तवायफ के घर। मैं बड़ी मुश्किल से ये कागज छुड़ा लाया। अगर ये कागज किसी के हाथ लग जाता तो बदनामी हवेली की होती, खानदान की इज्जत और आबरू दोनों मिट्टी में मिल जाते। किसी दिन फैक्ट्री का हिसाब भी देखिए, देखिए किस तरह अजय दोनों हाथों से आपको लूट रहा है। आप इतने पुराने आदमी हैं
आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि अजय अपने नाम पर हर महीने इतने सारे रुपए ले रहा है? आए सर्वेंट ही बॉस है। फजूल बातें ना कीजिए, जाइए। अजय का गुस्सा बेचारे सुब्रमण्यम पे क्यों उतार रही है? तुलसी, मैं हार गई तुलसी, अब अपने अजय को तू ही संभाल, तू ही संभाल। कहो ना, मेरा मुंह क्या देखती हो? कहो ना, क्या बात है? ये कहने आई हूँ कि अगर बेटा हुआ तो क्या नाम रखोगे, और अगर बेटी हुई तो। ये बात तुम्हें कब मालूम हुई? हाँ, ये बात तुमने किसी से बताई तो नहीं? अपने बाप से तो नहीं कहा? मैं कैसे कह सकती हूँ, ये बात तो उनसे तुम्हें कहनी होगी। वो तो ठीक है। कहोगे ना? हाँ गीता, हाँ गीता, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और उसमें डरने की क्या बात है? मैं जो तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं, और दुनिया की कोई ताकत हमें जिता नहीं कर सकती। अजय ये शादी हरगिज नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी खुशी देख ही नहीं सकता। वो मां को चढ़ाएगा कि हवेली के इकलौते बेटे की शादी आप जैसे मामूली आदमी के बेटी के साथ कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? अजय को हवेली से निकाले बिना ये शादी नहीं हो सकती है, और उसे निकालने का एक ही रास्ता है। क्या? यही के गीता का इल्जाम अजय के सर लगा दिया जाए। अजय के सर? क्या बकवास कर रहे? अब पूरी बात तो सुनिए राणा जी, गीता का इल्जाम सुनते ही मां नाराज होकर अजय को घर से निकाल देगी। हाँ, फिर मैं ये कहूंगा अजय ने किया सो किया, इसमें गीता का क्या कसूर है? फिर मैं ये कहूंगा मैं गीता से शादी करूंगा, मां ये सुनते लाचार हो जाएगी, लाजवाब हो जाएगी। नहीं राणा जी, नहीं, अजय गिरने के बाद भी इतना नहीं गिर सकता, इतना नहीं गिर सकता। क्षमा चाहता हूं, छोटे मुंह से बड़ी बात निकल गई, पर रानी मां, जिस लड़की ने धोखा खाया वो अजय का ही नाम लेती है। आप यहां अंधेरे में क्या कर रही? तूने मुझे मुंह दिखाने के लायक छोड़ा है जो उजाले में आऊं? अरे अभागे, अपनी तकदीर में अपनी मां की कुछ अच्छाइयां तो लिखवा लाया होता। बीजी, मैं नहीं हूं तेरी बीजी, और तू मेरा कोई नहीं। ये आप क्या कह रही हैं बीजी? आज ऐसा क्या हो गया है जो मैं आपका कोई नहीं रहा? मुझसे पूछता है निर्लज, बेशर्म, बेहया। मैं ना तेरी बात सुनना चाहती हूं, मैं तेरी सूरत देखना चाहती हूँ। बीजी, मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी बीजी, आपने मुझे प्यार दिया, सहारा दिया, मैं आपके एहसानों का कर्ज अदा नहीं कर सकता बीजी, लेकिन आपके मुंह से झूठे इल्जाम मैं कबूल नहीं करूंगा। क्या कबूल नहीं करेगा? यही कि तूने घर में चोरी नहीं की, यही कि तूने फैक्ट्री के हिसाबों में गोलमाल नहीं किया, यही कि तूने वो 50,000 रुपए जुए में नहीं हारे बल्कि एक तवायफ को दे दिए। ये सच है बीजी, मैंने चोरी की, और ये भी सच है कि मैंने वो 50,000 रुपए उस तवायफ को दिए, लेकिन असलियत ये है बीजी, मैंने ये सारी बातें प्रताप को बचाने के लिए की थी। हाँ हाँ, दुनिया की सारी बुराइयां तो प्रताप में है, तू तो धर्मात्मा है, प्रताप की बुराइयों को ढांपता रहता है, और अब तू ये कहेगा
कि प्रताप को ही बचाने के लिए तूने उस लड़की की जिंदगी खराब की। लड़की? कौन लड़की बीजी? वही लड़की बेशर्म जो तेरे बच्चे की मां बनने वाली है। नहीं बीजी, नहीं नहीं बीजी, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं। चरणों की सौगंध? मैं तेरी हूं ही कौन जो मेरे चरणों की सौगंध खाकर तू झूठ नहीं बोलेगा? तो फिर मैं तुलसी की सौगंध खाकर कहता हूं, मैंने किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं की बीजी। मैं तो किसी लड़की को तुलसी को छूकर झूठी सौगंध खाता है कमीने। दूर हो जा मेरी नजरों से, निकल जा मेरे घर से, चला जा। आज मैं तुझे से वसीयत करती हूं कि मेरे मरने के बाद तू मेरी अर्थी को कंधा नहीं देगा। मैं संजोगता देवी अपनी मर्जी और अपनी राय से अपनी पुरानी वसीयत बदल रही हूं। अजय को बेदखल करके अब मैं अपनी सारी जायदाद का मालिक अपने और स्वर्गीय कंवर जी के इकलौते बेटे प्रताप नारायण सिंह को बनाती हूं। ये मेरी आखिरी वसीयत मानी जाए और मैं गवाहों के सामने इस पर दस्तखत करती हूं। नहीं वकील साहब, नहीं, मैं अपनी वसीयत नहीं बदल सकती। मुबारक हो प्रताप, अजय का किस्सा खत्म हुआ। अब बताओ रानी जी से तुम बात करोगे या मैं? एक गीता ही रह गई है शादी करने के लिए। मां से यह बात आप ही ने कही थी ना कि गीता के होने वाले बच्चे का बाप अजय है। प्रताप, मैं रानी जी से साफ साफ कह दूंगा कि यही बताओगे ना कि आज उस बच्चे का बाप मैं हो गया हूं। जैसे बाप का नाम ना हुआ, किराए की दुकान हो गई, जब चाहे नाम बदल दिया। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं प्रताप, मेरी इज्जत बचा लो। आप कहे तो 10-5 हजार खर्च करके गीता के लिए पति खरीद सकता हूं। प्रताप के बारे में मुझे सब पता चल चुका है। उसकी बातों में फंसकर मैंने बेचारे अजय पर इस पाप का इल्जाम लगवाकर उसे घर से निकलवा दिया। मैं उसे जान से मार डालूंगा। धीरज रखो मामा, मारने के कई ढंग और भी हो सकते हैं। पोलो का मैच है कल, मैं उस हरामजादे को कुचल के रख दूंगा। पोलो में घोड़े से गिराना आसान है और गिराकर घोड़े के पांव तले कुचलना और भी आसान है, लेकिन प्रताप किसी सूरत बचने ना पाए। बीजी ने तो मुझे गुस्से में घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं बीजी का दिल और दुखने नहीं दूंगा। जब तक मैं अपने आप को बीजी की निगाहों में बेगुनाह साबित ना कर दूं, मैं यह शहर छोड़कर नहीं जाऊंगा। नैनी, क्या बात है गीता? प्रताप को बचा लो, वो लोग उसे पोलो के मैच में मार डालेंगे। कौन लोग? मेरे पिताजी के आदमी, जिस लड़की का इल्जाम आप पर लगाया गया है वो लड़की मैं हूं। प्रताप के कहने पर मेरे पिताजी ने आप पे झूठा इल्जाम लगाया था, लेकिन अब वो बदल गया है और बदले में बोलो को उसे मार डालना चाहते हैं। उसे बचा लीजिए। नैनी, तुम गीता के साथ बीजी को लेकर आओ, मैं बोलो ग्राउंड चलता हूं। चलिए वहां से अपने प्रताप को मार डालने की सोची है। मार डालने दो, अजय भी वहीं जा रहा है। अजय वहां जा रहा है क्यों? प्रताप को बचाने। उसे बचाने जिसने ये सब कुछ उसके साथ किया? अभी सोचने का वक्त नहीं है बीजी, जल्दी चलिए। चलिए जल्दी चलिए चलिए। Thank you.
ये लोग मुझे मार डालेंगे। हाँ प्रताप जल्दी, और ये लोग के माफी मांगते क्या करे लड़के। गले लग के प्रताप मुझे माफ कर दो भैया। कुछ तो है दे जाओ।
आज तक हम भाइयों ने एक साथ बीजी के पांव नहीं छुए। आओ आज इनका आशीर्वाद बराबर से बांट लें।